नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस प्लेलिस्ट में जहां बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अभी दोस्तों बात कर रहे थे डेडलॉक की और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे जो रीसेंट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं गेट में नेट में, और देखा कि वेदर बैंकर्स एल्गोरिदम का जो आइडिया है वो न्यूमेरिकली हम अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के अंदर भी जो भी रीसेंट ईयर क्वेश्चंस मेरे को मिल रहे हैं उनको ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप उसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे को मिला ये मिला है नेट जुलाई 2016 से, तो अगेन रीसेंट ईयर क्वेश्चन है और नेट में जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ रिलेटिवली मासूम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कभी कभी धोखा भी दे देते हैं तो बड़ा सावधान हमको रहना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सपोज दैट देर आर 4 प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन नजर आ रहा है, P1, P2, P3, P4 एंड 12 इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स आर इन अ सिस्टम। अभी बात बड़ी आसान कर दी क्योंकि रिसोर्स के आप देखते हैं ना, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था मल्टीपल टाइप्स होते हैं, एक ही टाइप का रिसोर्स है उसका नाम है R और कितने कॉपीज उसके हैं 12, यानी कि सिस्टम का जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो उसने बता दिया। द मैक्सिमम नीड ऑफ ईच प्रोसेस एंड द करंट एलोकेशन इज गिवन बिलो। अब दोनों डेटा आपके पास है, क्या उनकी मैक्सिमम नीड थी और क्या एलोकेशन है, तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है। जब मैक्सिमम नीड से आप करंट एलोकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करंट नीड। तो अगेन मैक्सिमम था 8, 3 ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो क्या नीड बचा, 5। मैक्सिमम 9 था, 4 एलोकेट कर चुका हूँ, यहाँ भी 5। 5 मैक्सिमम था, 2 एलोकेट कर चुका हूँ, यहाँ बचता है 3। और 3 मैक्सिमम था, 1 एलोकेट कर चुका हूँ, यहाँ बचता है 2। अगला बात जो गौर करनी है करंट एलोकेशन, तो 3 + 4 = 7 एंड 7 + 3 = 10। तो 10 रिसोर्सेज क्योंकि मैं ऑलरेडी एलोकेट कर चुका हूँ, तो अब जो मेरे पास भाई अवेलेबल है वो है 2। तो 2 रिसोर्सेज से गेम खेलना स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं इन सब में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी फिलहाल मैं नीड सेटिस्फाई करने की पोजीशन में हूँ, तो अनडाउटेडली सिर्फ P4 का ही कर सकता हूँ। तो सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि मैं प्रूव कर पा रहा हूँ कि मैं इसकी करंट नीड सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो जो इसका एलोकेशन है वो भी मेरे को वापस मिल जाएगा। और इसका एलोकेशन क्या है, इसका एलोकेशन है 1। तो 1 जब मेरे को वापस मिलेगा अब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा 3। 3 के बाद P1, P2, ऑफकोर्स मैं पहले P3 को ही सेटिस्फाई कर पाऊंगा, तो इसको मैं मानता हूं कि मैंने रन किया। और अगेन इसका भी करंट एलोकेशन जो क्या है 2 है, वो मेरे को वापस मिलेगा। तो 3 + 2 अब मेरे पास हो जाएगा 5। अच्छा 5 आपके पास है तो आप किसको रन कर सकते हैं, देखिए फिलहाल ऑर्डर मैटर नहीं करता, P1 भी किया जा सकता है, P2 भी किया जा सकता है, आगे शायद मुझे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इतने रिसोर्स से मैं दोनों में से किसी को भी हैंडल करूंगा। जो रन होगा वो रिसोर्स रिलीज करेगा, उसके बाद आखिरी जो होगा उसको भी रन करूंगा। पूछा क्या था, एलोकेशन सिस्टम इज इन सेफ, यस, इफ सो व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस पूछा। तो देखिए पहली दो सीक्वेंस तो अपने को पता है कि पहले P4 होना है फिर P3 होना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे A और B तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं और इवन C भी एलिमिनेट हो रहा है, P4, P3, तो इसकी मर्जी है, इसने पहले P1 को किया, P2 को, पहले P2, P1 भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा काम इसमें से फिलहाल ऑप्शन पिक करना है, तो अनडाउटेडली सी यहाँ पर सही आंसर हो जाने वाला है। तो अगेन जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, एक बार फ्रेमवर्क आपको समझ आ गया तो सेम तरह की प्रोसेस थी, 2 मैट्रिक्स दी गई थी, 3रा कैलकुलेट किया, अवेलेबल आपने कैलकुलेट किया और पूरा सेफ सीक्वेंस निकाल लिया। यस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगेन मैंने लेने की कोशिश की है नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को अगेन ध्यान से इंटरप्रेट करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि क्या समझ आ रहा है। कंसीडर अ सिस्टम विद 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। तो अगेन एक बात समझ आ गई भाई, जो मैक्सिमम अवेलेबल है एक ही टाइप का रिसोर्स होने वाला है, टेप ड्राइव जैसा उसने बोला है, और कितने कॉपीज उसके पास हैं, कितना बोला है 12 है, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं, अगेन जो सारा डेटा है वो मेरे ख्याल से टेबल में ऑलरेडी नजर आ रहा है। P1 रिक्वायर मैक्सिमम 10 टेप ड्राइव्स, P2 नीड्स 4, P3 नीड्स 9, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड सपोज दैट फिलहाल क्या क्या होल्डिंग है वो भी हमारे पास है, अगेन आपको बताना है सेफ है अनसेफ है क्या कहानी है। तो दोबारा मैं आपसे पूछूंगा,
मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन आप करंट नीड कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से कर दीजिए। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 9 माइनस 3 हो जाना है 6। ये हमारे पास करंट नीड है। एलोकेशन ओवरऑल क्या किया जा चुका है, तो 5 प्लस 2 या 5 प्लस 5 इज 10 डायरेक्टली नजर आ रहा है। टोटल अवेलेबल था 12, तो 12 में से 10 गया, 2 रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगेन किसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं, P1 नहीं हो सकता, P3 नहीं हो सकता, बट P2 जरूर हो सकता है, बिकॉज 2 ही उसका नीड है, तो उसको मैं सेटिस्फाई मानता हूं। और अगर मैंने उसको सेटिस्फाई किया तो जो उसका करंट अवेलेबल है, लोकेशन है, मेरे को मिल जाएगा, उसका लोकेशन है 2, तो मानते हैं कि P2 को हमने एग्जीक्यूट किया और जैसे ही वो हमको वापस मिला 2 प्लस 2 हमारे पास देखिए क्या हो गया, 4 हो गया। Yes, अब यहां पर आप देखेंगे, अब ये केस देखिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट केस बना, वो क्यों, क्या फिलहाल 4 के साथ आगे बढ़ना पॉसिबल है? तो एक प्रोसेस कह रहा है मेरे को 5 चाहिए, दूसरा कह रहा है मेरे को 6 चाहिए, तो शायद फिलहाल आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि इसने बोला किसी इंस्टेंस पे क्या कहानी है, तो हमें फिलहाल मानना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है, अनसेफ है। बिकॉज देखिए अभी डेडलॉक इसलिए नहीं बोल रहा कि ये डिटेक्शन रिकवरी वाला केस नहीं है, ये किसी इंस्टेंस पे इसने हमसे बोला कि कैलकुलेट करके बताओ। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है करंट नीड, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्रोसेस मांग ले। वर्स्ट केस हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि P1 5 मांग सकता है तो 5 ही मांग लेगा, या P3 6 मांग सकता है ये तो 6 ही मांग लेगा। अगर दोनों ने मैक्सिमम मांग लिया तो डेडलॉक में जाने का केस बन सकता है, लेकिन फिलहाल हम बोलेंगे कि हम अनसेफ है क्योंकि फिलहाल कोई सेफ सीक्वेंस मौजूद नहीं है, है ना। तो एक अच्छा केस हुआ, बिकॉज अभी तक मोस्टली शायद जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सब में सेफ सीक्वेंस ही आ रहा था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हुआ, तो अगेन एक नई अंडरस्टैंडिंग है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2014 में 2 मार्क्स में, और अगेन इस क्वेश्चन से हम प्रूफ करेंगे कि ये मानना कि गेट में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है गलत है। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, उसमें से ये भी शायद एक है। आगे बढ़ता हूँ। आ सिस्टम हैज 9 टेप ड्राइव्स, अगेन एक ही तरह का रिसोर्स है शायद क्लियर कर रहा है, और कितने कॉपीज इसके पास हैं, 9 टेप ड्राइव्स हमारे पास है। द करंट एलोकेशन एंड द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द 9, और ये 3 प्रोसेस की कहानी बता रखा है, क्या करंट एलोकेशन है, क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगेन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से मुझे सोच के बताएंगे, वही कहानी है, मैक्सिमम डिमांड से करंट एलोकेशन माइनस करेंगे तो आपको पता लगेगा करंट नीड क्या है। तो 7 माइनस 3 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, 7 माइनस 3 करंट रिक्वायरमेंट आ जाती है, 4 6 माइनस 1 इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2। अब एलोकेट क्या क्या किया जा चुका है, तो 3 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, 7 रिसोर्सेज एलोकेटेड है, तो फिलहाल जो अवेलेबल है वो है 2। अब सवाल है क्या 2 रिसोर्सेज में सिस्टम सेफ है कि अनसेफ है, कोशिश करते हैं। तो क्या मैं फिलहाल किसी की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकता हूं, जी हां P3 की कर सकता हूं। तो मानते हैं कि P3 को हमने एग्जीक्यूट किया, और जैसा आप जानते हैं जिसको एग्जीक्यूट करते हैं उसकी करंट एलोकेशन हमें मिल जाती है जो है 3। तो 2 हमारे पास पहले से था, 3 हमको और मिल गया, और अब हम हो गया 5। और यहाँ से आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है, तो मैं दोनों में से किसी को भी रन कर सकता हूँ, अगले को भी रन कर लूंगा। तो ऑफकोर्स क्या हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है, जी हाँ, शुरुआत P3 से करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी इच्छा है चाहे पहले P1 करें P2 करें, या P3 के बाद पहले P2 करें फिर P1 करें, ये दोनों ही सेफ सीक्वेंस हो जाएंगे। और अगर सिस्टम के पास सेफ सीक्वेंस है तो सिस्टम सेफर डेडलॉक में तो हो ही नहीं सकता। यस, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस आप देखेंगे तो बड़े लॉजिकलेस होते हैं, जैसे लिखा है सेफ एंड डेडलॉक। तो अगेन आप जानते हैं अगर सिस्टम सेफ है क्या डेडलॉक में जाने की कोई पॉसिबिलिटी है, जी नहीं। थ्योरेटिकली भी इस आइडिया को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, तो इस तरह के ऑप्शंस तो क्वेश्चन देखते भी एलिमिनेट किए जा सकते हैं। यस, तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगेन दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ नेट दिसंबर 2014 से। अगेन पूरा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है और बोला है कि सिस्टम के पास टोटल कितने टेप ड्राइव हैं, 13 टेप ड्राइव्स हैं। चलिए टेप ड्राइव लगता है बड़े पॉपुलर हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस में इसी का नाम लिया जा रहा है, कोई बात नहीं। तो आउट ऑफ 13 टेप ड्राइव्स, अगेन मेरे ख्याल से जो डेटा यहाँ पर है पूरा लिखा हुआ है, आपसे पूछा है सेफ सीक्वेंस क्या है, तो
तो डायरेक्टली मैक्सिमम नीड हमको पता है, एलोकेशन हमको पता है, तो हम करंट नीड बता सकते हैं। माइनस करना स्टार्ट करिए, 11 माइनस 6 करंट नीड आ जाएगी 5, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 एंड 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। यस, तो ये दोस्तों हमारी आ गई करंट नीड। अब आगे सोच लेते हैं, फिलहाल जो टोटल रिसोर्सेज थे 13 थे, एलोकेशन कितना किया जा चुका है, तो 6 यहाँ पर था और 5 प्लस 3 हो जाता है, 3 प्लस 2 हो जाता है 5, 5 प्लस 6 11, 11 रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेट की जा चुकी थी, तो फिलहाल शायद जो अवेलेबल बचा है वो है 2। यस तो अब जरा सोचिए, अच्छा लास्ट वाला मैंने वो चला गया अगेन, तो फिलहाल किसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, P2 की नीड है 2, मैं सेटिस्फाई करने की पोजीशन में हूँ, जिसको हम रन करते हैं, मानते हैं कि उसका एलोकेशन हमें वापस मिल गया, तो 3 एलोकेटेड था, तो 2 से 3 हमको और मिलेगा, हमारे पास हो गया 5। अगेन फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो आउट ऑफ आफ्टर 2 मैं P1 को ही पहले एग्जीक्यूट करूंगा, तो P1 का जो करंट नीड है 5 बिल्कुल मैं सेटिस्फाई करने की पोजीशन में हूं, तो उसका भी एलोकेशन मेरे को वापस मिलेगा, और 5 प्लस 6 अगेन मेरे पास हो जाएगा 11। तो लास्ट में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी जो प्रोसेस है जिसका नाम है P3, उसको भी आप रन करेंगे, उसका एलोकेशन भी आपको वापस मिलेगा। तो 13 से आप शुरू किए थे, 13 पे आप पहुंच गए, सेव सीक्वेंस आपके पास है, P2, P1, P3, आई थिंक दैट विल बी ऑल, और यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाने वाला है। तो अगेन देखिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ध्यान से प्रोसेस करें तो सॉल्व हो सकता था, दैट विल बी ऑल। सो अगेन 4 क्वेश्चंस बैक टू बैक रिसेंट ईयर मैंने सॉल्व कराए, अगेन इस बात का विश्वास आपको दिलाने के लिए, भैया कोई नई बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, और चीज़ें बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। मेरा प्रयास अगर आपको वैलिड लग रहा हो और आप थोड़ा सा मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं और बनाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ, जूनियर सीनियर्स के साथ, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।